नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मैं ऑटो डेबिट के विषय में बताने वाला हूं कि आपके किसी क्लाइंट के किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है और उसने आपके पास आरडी किया हुआ है या लोन लिया हुआ है, तो उस अकाउंट से कैसे पैसे हर महीने कट के आपके निधि कंपनी के अकाउंट में आ जाएंगे, तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अपनी निधि कंपनी को इस लेवल से उस लेवल तक अगर आपको लेके जाना है, हाई लेवल तक लेके जाना है, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि हम लोग और भी सारी सर्विसेज आपके लिए लेके आते हैं निधि कंपनी को, कैसे आप एक बहुत लार्ज स्केल में अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग आपको ऐसा बताएंगे कि निधि कंपनी गरीब लोगों की कंपनी है, तो दोस्तों अगर गरीब जैसे सोच रखोगे तो गरीब ही रहोगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेसमैन हो, अब एक बिजनेसमैन जैसा सोचते हो तो फिर उसके हिसाब से काम करो। आपके पास जितने एसेट होंगे, जितने आपके पास एसेट दिखाई देंगे, उतने लोगों का विश्वास आप पे ज्यादा होगा। अगर आप निधि कंपनी खोले हो, आप बहुत लेन देन का काम कर रहे हो, आपके पास कुछ चीजें नहीं है, एसेट नहीं है दिखाने के लिए, या कोई मतलब अच्छा है नहीं कि लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे, क्यों आपके पास अपने डिपॉजिट रखने जाएंगे, भले आप उनको कितना भी इंटरेस्ट दो। तो एक अपनी निधि कंपनी को ऊंचा लेवल की कंपनी बनाओ दोस्तों। गरीब लोगों की सोच से आपकी निधि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। एक साल दो साल उसके बाद निधि कंपनी आपकी बंद, आप लिख लो। काफी ऐसी निधि कंपनियां हैं और बहुत सी निधि कंपनियां ऐसा है जो कि आज काफी फैसिलिटी दे रही है अपने क्लाइंट को और लोगों का विश्वास उस पर आ रहा है। मैं ऐसे 50 कंपनियों का नाम आपको महीने में गिना सकता हूं जो निधि कंपनी इतने अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट का विश्वास जीता है, उतनी अच्छी अच्छी सर्विसेस दी है, तब जाके आज उन लोगों के पास डिपॉजिट भी अच्छा है, लोन भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बातें तो होती रहेगी बाद में, और आपको अगर इस सर्विसेस लेना है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। निधि कंपनी को इस लेवल से उस लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी सर्विसेस लगती है और काफी लोगों के सवाल भी आते हैं। तो यहाँ पास आज का जो सवाल मेरे पास आया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होगा। आप भी निधि कंपनी चला रहे हैं तो इस सवाल को सुनिए और इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। और अगर आपको इसका जवाब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि क्या आपको ये बातें जो है या ये जो अपग्रेडेशन है वो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो दोस्तों मुझे एक फोन आया था कि सर मुझे मेरे एक निधि कंपनी से एक बंदे ने जो कि सैलरी पर्सन बंदा है उसने लोन लिया है, मैं चाहता हूं कि उस बंदे के जो बैंक अकाउंट है जहां पास उसका सैलरी आती है वहां से ऑटो डेबिट हो जाए, मतलब लोन के जो पैसे है ऑटो डेबिट होके मेरे निधि कंपनी में आ जाए। ये उस बंदे का सवाल था। तो काफी आपके पास भी दोस्तों ऐसी हो सकती है प्रॉब्लम कि क्या आपके पास किसी ने लोन लिया है और लोन लेने के बाद उसका कहीं बैंक अकाउंट है जहां उसकी सैलरी या पैसे आते हैं, तो बंदा चाहता है कि सर आप वहां से जो पैसे है ऑटो डेबिट हो गए, आप लोन का इंस्टॉलमेंट में आपके पास आ जाए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और आपके लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो सोचने मतलब जानने वाली बात है। और दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आपकी निधि कंपनी को इस लेवल से उस लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि साथ में वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके पहले भी दोस्तों मैंने बताया था कि आप अपनी निधि कंपनी के एटीएम भी लगा सकते हैं, एटीएम कार्ड भी आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, आईएफएससी के लिए भी मैंने प्रोसेस बताया था। तो चलिए दोस्तों आज ये जो ऑटो डेबिट वाली बात है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, या क्या ये हो सकता है और कैसे होगा और इसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये प्रोसेस हो सकता है कि अगर आप अपने क्लाइंट का अगर आपके क्लाइंट का कहीं दूसरे जगह बैंक अकाउंट है और वहां से वो आपके लोन के पैसे जो है ऑटो डेबिट करके आपको लोन के इंस्टॉलमेंट चुकता करना चाहता है तो हो सकता है हर महीने। और इसमें आपको जो है बार बार मतलब कुछ जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है कि अगर किसी आदमी ने लोन लिया तो बैंक क्या करती है मतलब ईसीएस द्वारा मतलब आपके इंस्टॉलमेंट को काटते रहती है या पैसे को डिपॉजिट करते रहती है। तो ये ना केवल इस मतलब लोन में ये केवल एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि अगर कोई आदमी मंथली आपके आरडी में डिपॉजिट भी करना चाहता है और वो चाहता है कि किसी दूसरे बैंक अकाउंट से आपके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए और उसको बार बार आपकी कंपनी के चक्कर नहीं लगाना पड़े, पैसे जमा करना नहीं पड़े, तो ये दोनों ही चीजों में हो सकती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी चीजें हो सकती है। अब दोस्तों ये कैसे होगी ये चीज बताता हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको
देखना होगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो लीक से हटके है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पहले देखिए ईसीएस होता था। ईसीएस में क्या होता था कि बैंक, आपने क्या किया, बैंक में पैसे, मतलब बैंक में एक चेक जमा करते थे और चेक कैंसिल चेक, उसके बाद वेरीफाई होता था आपका सिग्नेचर, और उसके बाद आपके जो पैसे है ऑटो डिडक्शन हो जाता था महीने के महीने महीने के महीने। तो इसमें आपको कभी बैंक जाना नहीं होता था, स्टेटमेंट आपने लिया आपको मालूम हो जाता था। तो अब दोस्तों यहाँ पास मैं आपको बताने वाला हूँ, यही प्रोसेस जो है चेंज हो चुका है पहले ही, और इसका नाम है NACH। तो NACH के विषय में और भी एक वीडियो में बनाऊंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन यहाँ पास छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। NACH प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी निधि कंपनी, अपनी निधि कंपनी के जो क्लाइंट है उससे, उसके अकाउंट से पैसे जो है आप ऑटो डिडक्शन करवा सकते हैं हर महीने, हर महीने, वन टाइम नहीं, हर महीने। इस बात को आप ध्यान से सुने। मानिए कि एक आदमी के 10 इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए एक आदमी ने आपके, आपसे लोन लिया, उसके 10 इंस्टॉलमेंट है और 10 महीने उसको आपके पैसे जमा करने होंगे। तो यहाँ पास क्या करना होगा, यहाँ पास क्या करना होगा दोस्तों कि वो 10 महीने आपके पास आएगा तो नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है समय है। तो अब यहाँ पास अगर उसके अकाउंट में आपने क्या किया, NACH का एक फॉर्म आता है जिसको आपको क्या करना है, उससे फाइल करवा लेना है, उसके बैंक अकाउंट डिटेल, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। तो ये सर्विस लेने के लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे, मैंने इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कीजिएगा। तो अब क्या होगा कि जब वो फॉर्म फिल करके आपको, आपकी निधि कंपनी को देगा, तो ये निधि कंपनी को देने के बाद ये चले जाएगा NPCI के पास, और वहां पास ये वेरिफिकेशन होगा उसका सिग्नेचर या अकाउंट। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके, एक आपकी जो निधि कंपनी में उसके अकाउंट से पैसे कट के हर महीने आते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स में बताने के लिए आपको, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि NACH का प्रोसेस, लेकिन यहाँ पास है कि अगर NACH की जो बहुत ही आसान सी सर्विस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फॉर्म फिलअप करवा के आपको सबमिट करना है, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद है आपको क्या करना है, उस फॉर्म में एक डेट लिख देना है कि इस डेट को ऑटो डिडक्शन होना है, ऑटो डिबेट होगा आप, मतलब उस आदमी के अकाउंट से। तो हर महीने क्या होगा कि ऑटो डिबेट जो है लग जाएगी और आपके जो अकाउंट में, निधि कंपनी में आपके पास पैसे आ जाएंगे, उस आदमी का लोन या डिपॉजिट जो है इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस सर्विस को लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी निधि कंपनी को नेक्स्ट लेवल की कंपनी बनाने के लिए मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, चाहे वो ATM कार्ड हो, ATM मशीन हो, चाहे आपका, अभी मैंने मनी ट्रांसफर के विषय में, ऑटो डिबेट के विषय में बता दिया हूँ। और अगर आपको और भी सर्विसेज के अपनी निधि कंपनी में लेना है तो बिल्कुल हो सकता है, और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग लो, ताकि आपकी निधि कंपनी के जो क्लाइंट है वो क्लाइंट को भी मालूम चले कि आपकी निधि कंपनी कोई 5 लाख की कंपनी नहीं है, आपकी निधि कंपनी एक हाई लेवल की कंपनी है। क्योंकि जितने आपकी निधि कंपनी हाई लेवल की कंपनी दिखेगी उतने लोगों का विश्वास आप पे ज्यादा आएगा और आपके क्लाइंट बढ़ेंगे। तो बिजनेस करना है दोस्तों तो बिजनेसमैन के जैसा सोचो, आप गरीबों जैसे सोच रख के बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, व्हाट्सअप कीजिएगा ये सर्विस के लिए।